आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी पीआरटी के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने व्यू लेना चाहा कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं एमसीडी पीआरटी जो एग्ज़ाम हुए हैं। कुछ चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, कुछ चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, तो स्टूडेंट्स के क्या व्यूज़ हैं। मैंने 5 कमेंट्स इसमें नोट करी हैं, तो मैं आपको वो 5 कमेंट्स बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो अभी आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले भगत सिंह जी लिखते हैं, सर आपको पता है फेल वाले ज़्यादा होते हैं, लगने वाले तो 5-10% हैं, बाकी 95% यही कहेंगे ना कैंसिल हो। तो भगत सिंह जी ने जो कमेंट दिया है वो काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। एमसीडी ने जो कंडीशन बना दी यहाँ पे बहुत अलग बना दी है। अगर एक साथ एग्ज़ाम होता तो ये कहना बिल्कुल सही था, लेकिन अभी क्या है कि सिचुएशन मतलब इक्वली नहीं हो पा रहे हैं बच्चे। 28 का एग्ज़ाम था, एक 30 का था, 13-14 का था, तो सभी में जो 30 वाला है, 28 वाला है, इनमें काफ़ी सिचुएशन अलग हो चुकी है। इसके बाद नगमा इदरसी जी लिखते हैं, सर नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं जिनके पहले भी पेपर खराब गया था और उन्होंने कैंसिल कराया और अब भी। इन लोगों से पूछो जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, उनसे पूछो कि मेहनत पर पानी फिरने का डर क्या होता है, वो कैंसिल के नाम से डरते हैं। इसके बाद तो रवि जी लिखते हैं, ये वो लोग हैं जिनका 13 अक्टूबर जैसे एग्ज़ाम में 70 नंबर आए हैं, अगर तीसरी बार भी एग्ज़ाम हो जाए तब भी इनका स्कोर यही रहेगा, इनका तो कुछ होना ही नहीं, पढ़ने वाले बच्चों का भी ये नाश चाहते हैं। तो रवि जी का जो कमेंट है काफ़ी हद तक सही भी है। और होता क्या है कि जैसे एग्ज़ाम हो रहा है या कैंसिल कराने की मांग हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं और जो भीड़ होती है काफ़ी, वो ऐसे बच्चों की होती है जो कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी मतलब उनके पीछे वो भी कैंसिल कराने में लग जाते हैं। इसके बाद अलका रानी जी लिखते हैं, यस होना चाहिए कैंसिल, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है सर, एक दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा और सभी स्टूडेंट्स का एक जैसा पैटर्न होगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा भी मिलेगा और फिर किसी को भी डाउट नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अलका जी, जो कमेंट आपने दिया है ये काफ़ी सही है, मैं इसे जायज़ मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब होता है, अगर आप समझ रहे होंगे, अगर अब एग्ज़ाम दोबारा होता है तो सीटेट वाले जो अब सीटेट देंगे वो नए कैंडिडेट्स में आए भी इसमें ऐड होंगे, इसके बाद जो बीएड वाले हैं वो भी इसमें ऐड होंगे। अगर ये होता है कि ये एक महीने के अंदर एग्ज़ाम करा देते हैं, लेकिन लग नहीं रहा, पहले भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, तो ये कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ भी करेंगे, उसमें बच्चों का ही जहाँ तक नुकसान होता है। लेकिन आई एम एग्री विद योर कमेंट, बट आई डोंट थिंक दैट इट वुड हैपन। इसके बाद रोहतास कुमार जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर, हमें अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। वैसे आपकी हर वीडियो ग्राउंड लेवल को टच करने वाली होती है, आई मीन रियल होती है, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। तो रोहतास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक पॉजिटिव कमेंट दिया यहाँ पे। और इसके बाद गाइस, मैं चाहता हूँ कि जो सभी को एक न्याय मिले, नॉर्मलाइजेशन भी अगर होता है तो एक अच्छे लेवल पे हो, ये ना हो कि किसी को नुकसान हो, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन अगर शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान फ़ायदा किसी ना किसी को ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। और सभी के लिए मैं कामना करता हूँ कि सभी का एग्ज़ाम मतलब सभी को बेनिफिट मिले, किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो गाइस, ये सब कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ और एक बार सभी को हैप्पी दिवाली। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, और अपने कमेंट आप ज़रूर शेयर करें जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम मिलकर सभी पढ़ेंगे। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।